Hey, नमस्कार दोस्तों, अगर आप 5,500 रुपए के अराउंड एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो इन्फिनिक्स ने अपना स्मार्ट 7 HD स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, जिसकी प्राइसिंग सिर्फ 5,399 रुपए के निकल के आती है। क्विक अनबॉक्सिंग से शुरुआत करें तो इस तरीके का आपको इन्फिनिक्स का बॉक्स मिलेगा, बैक में कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह मिल जाएगी। बॉक्स खोले तो सबसे ऊपर ही फोन रखा हुआ है। भाई साहब क्या मस्त लग रहा है ये व्हाइट कलर में, थोड़ा सा साइड में रखते हैं। नीचे देखें तो आपको एक 10 वॉट की चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको मिल जाएंगे एंड एक हार्ड केस भी इसके अंदर दिया हुआ है। इस प्राइस रेंज के अंदर हम बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इन्फिनिक्स ने इस बार काम काफी धमाकेदार दिया है। पहले देखो यार, बिल्ड और डिजाइन देख लो, बैक से क्या मस्त कलर ये लग रहा है। मतलब यार व्हाइट फिनिश में आपको ये मिलता है, बैक से प्लास्टिक है लेकिन कहीं से कहीं तक आपको वो प्लास्टिकी वाली फील नहीं देता है। इन हैंड एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन रहेगा, मतलब वेट बैलेंस अच्छा करके रखा है, मिडिल फ्रेम आपको फ्लैट एजेस वाला मिल जाता है और बैक से देखने में बाय गॉड बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगता है। थोड़ा सा ये वेवी वाला पैटर्न भी इसके अंदर देखने को मिलेगा, हल्का सा धूप में लेके जाओगे ना थोड़ा सा ब्लूइश टिंट भी इसके अंदर मिल जाएगा। और ये बड़े वाले कैमरा मॉड्यूल के क्या ही कहने, वैसे कैमरा छोटा ही मिलता है लेकिन मॉड्यूल को देख के यार अच्छी सी फील जरूर से मैं कहूंगा देता है। अब देखो इसके अंदर 5000mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है, आराम से आपका 1.5 दिन वाला बैटरी बैकअप यहां पे निकाल देती है। साथ ही साथ आपको 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है, माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है, लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से आई थिंक चलो ठीक है, चल जाएगा काम। बाकी एक आपसे चिंटू मिंटू से रिक्वेस्ट रहती है, अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज कर देना। और इस प्राइस रेंज के अंदर मोस्टली जो चीज नहीं मिलती है वो भी दे दी गई है, यानी फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिल जाता है, ठीक ठाक वर्क करता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फेस अनलॉक वगैरह भी आप इसके अंदर कर पाओगे। और सबसे पसंदीदा चीज मेरी रही है यार डिस्प्ले, आपको बड़ी सी 6.6 इंच की HD प्लस वाली डिस्प्ले मिलती है, IPS LCD पैनल आपको मिलेगा। यहाँ पे देखो नॉच देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन यार यहाँ पे देखो बेजल्स कितने पतले रखे गए हैं, मतलब इससे मोटे मोटे मैंने देखे 10-12 हजार वाले फोन में। और डिस्प्ले क्वालिटी वाइज भी मैं कहूंगा अच्छी यहाँ पे यूज करी गई है, आपको कलर्स वगैरह भी ठीक देखने को मिल जाएंगे, सैचुरेटेड शेड में जरूर से आपको मिलते हैं लेकिन व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका बहुत ही बेहतरीन निकाल देंगे। इवन आउटडोर ब्राइटनेस भाई 500 nits तक पीक चली जाती है, डायरेक्ट सनलाइट में भी अगर एकदम स्ट्रेट में देखोगे ना आपको दिख जाएगी, कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। हल्का फुल्का घुमाओगे वो LCD है ना, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी वाइज आई थिंक यार यहाँ पे भी वर्क काफी बेहतरीन कर दिया है। बाकी 60Hz के डिस्प्ले है और डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिल जाता है, 4G फोन है, 4G के नेटवर्क्स आपको काफी बेहतरीन मिलेंगे। हाँ, इसके अंदर सिंगल बैंड वाईफाई का ही सपोर्ट मिलता है, यानी 2.4 GHz वाला वाईफाई आप यहाँ पे चला पाओगे, OTG का भी सपोर्ट इसके अंदर मिल जाएगा तो आप यहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह अपनी कनेक्ट करना चाहो कर पाओगे। सिंगल स्पीकर मिलता है, क्वालिटी वाइज आई थिंक डिसेंट सा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्राइस पॉइंट के हिसाब से कोई भी तकलीफ आपको ये मेरे हिसाब से नहीं देगा। साथ ही साथ आप अगर हेडफोन लगाना चाहो तो 3.5mm जैक भी आपको मिल जाएगा। अब जहां पे देखो परफॉर्मेंस की बात आती है, इसके अंदर कोई बहुत ही तगड़ी वाली परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। अब देखो इसके अंदर UniSoC का SC9863A1 वाला प्रोसेसर मिलता है, पुराना प्रोसेसर है, 24 नैनोमीटर पे आई थिंक यहाँ पे आपको बेस्ट वाला ये मिलता है। लेकिन आपको डे टू डे यूज अगर आप करते हो, जैसे आपने ऑनलाइन क्लासेस ली, आपने मम्मी पापा को दिया, उसमें फेसबुक थोड़ा बहुत उन्होंने चलाया, इंस्टाग्राम चलाया, कैमरा वगैरह फोटो वगैरह खींची, वो ऐसे सारे आपके डे टू डे वाले काम ना आपको कर देगा। मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से 5000 में जिस बजट में आ रहा है अटकता नहीं है आपका फोन, मतलब चल जाता है आपका काम, नॉर्मल वाला टास्क जो है करा देगा आपको, अगर स्टडी पर्पज के लिए चाहिए कर लेगा, ऑफिस यूज के लिए चाहिए जिनको वीडियो कॉल वगैरह करना रहता है वो कर देगा, तो उधर कोई तकलीफ नहीं आती। लेकिन अगर आप जो भाई गेमिंग वगैरह करना है वो सब चीजों के लिए यार यहां पे ये हैवी वाला फोन नहीं बना है। गेमिंग आप नॉर्मल सबवे सफर वाली करना चाहते हो तो वो कर लोगे, लूडो खेलना चाहते हो तो वो खेलोगे, टाइम पास आपका वो जो नॉर्मल वाली गेम से होता है वो जरूर से निकाल देगा, कोई तकलीफ आपको नहीं देगा। और हाँ, इसके अंदर एंड्रॉइड 12 गो एडिशन के साथ मिलती है, एंड्रॉइड 13 नहीं आता है, आएगा कि नहीं आएगा उसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हल्के फुल्के ब्लोटवेयर वगैरह इसके अंदर मिले थे जिनको आप मोस्टली अनइंस्टॉल कर सकते हो। बाकी इन्फिनिक्स की UI यहां पे मिल जाती है, देखो फीचर्स वगैरह अच्छे आपको मिल जाएंगे, मतलब सिंपल UI आपको मिल जाएगी, दिखने में भी अच्छी रहती है, बग्स वगैरह आपको नहीं मिलते, डे टू डे वाले काम भी आपके अच्छे स्मूथली करा देता है, इवन आप इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो चुपके से बिना अनाउंसमेंट के यहां पे हो जाएगी। और मैंने देखा इस बार UI ने अपने एड्स वगैरह को भी टोन डाउन कर दिया है, मतलब UI में देखो ऐप ड्रॉअर के अंदर भी मुझे कोई एड्स वगैरह इसके अंदर नहीं मिल रहे हैं, यहां तक आ चुके हो ना, अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज वो लाइक वाला बटन यार प्लीज दबा दो, दिल को थोड़ी सी यार खुशी हो जाती है। बाकी देखो कैमरा की बात रहती है, बैक में दिखने में जैसे मिलता है काफी बड़े लग रहे हैं, एक ही कैमरा सेंसर 8 मेगापिक्सल का मिलेगा, फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, 1080p 30fps तक डिसेंट सी रिकॉर्डिंग कर पाओगे। फोटोज वगैरह की बात रही, देखो आउटडोर लाइटिंग में अच्छी निकल जाती है, मतलब सैचुरेटेड है, दिखने में अच्छी लगती है, डिटेल्स वगैरह भी खास करके ठीक ठाक से निकल आ जाती है, इंडोर में भी यार एवरेज सब वर्क करता हुआ आपको मिलेगा, आई डोंट थिंक प्राइस पॉइंट के हिसाब से कोई समस्या यहां पे दी गई है। बाकी आपको सेल्फी कैमरा भी उसी टाइप का मिल जाता है, आउटडोर में अच्छा मिलेगा, इंडोर में भी डिसेंट सब वर्क करता हुआ मिलता है, फोटोज वगैरह अच्छी निकाल देता है, फ्रंट में फ्लैश भी मिल जाता है, तो लाइट लो लाइट के लिए भी सेल्फी आप अच्छे से ले पाओगे। सही में देखो ओवरऑल अगर बात करूं ना, ये 5,400 रुपए तक का अगर आपको ये मिल रहा है, बिल्ड डिजाइन में काम अच्छा करा है, बैटरी भी अच्छी मिल जाती है, कैमरास भी डिसेंट से, इवन मैं कहूंगा ना डिस्प्ले वाइज भी अच्छा काम करा है, और इस प्राइस रेंज के अंदर परफॉर्मेंस वाइज भी अगर मैं कहूंगा तो नॉर्मल वाले टास्क आपके लिए अच्छे तरीके से यहां पे निकाल दे रहा है। बाकी आपको अगर किस तरीके का फोन लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, कोई अगर आपको जानकारी चाहिए इसके बारे में तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपको एक और वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।